हेलो मेरे प्यारे दोस्त, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास पर। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि नंबर सिस्टम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे पहले तो हम इनका बेसिक समझ लें कि क्या क्या आते हैं इनके मध्य में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम धन पूर्णांक पूर्णांकों को जानेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले धन पूर्णांक को जानेंगे, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। एक से लेकर प्लस में आने वाली संख्याएं, एक से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब कि एक से लेकर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो धन पूर्णांक कहलाएंगी। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। जीरो को ऐड करने पर, जीरो से लेकर जीरो एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह जीरो से लेकर प्लस में आने वाली संख्याएं इन्फिनिटी तक, मतलब कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऋण पूर्णांक है तो इसमें माइनस से रिलेटेड संख्याएँ आएंगी। माइनस में आने वाली जितनी भी संख्या होंगी, जितनी भी माइनस से रिलेटेड संख्या होंगी, वो सब क्या आएंगी, ऋण पूर्णांक में आएंगी। जैसे कि माइनस के वन, माइनस के टू, माइनस के थ्री और माइनस के इन्फिनिटी तक की सभी संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। सॉरी, इसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ। तो इसके बाद पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है कि पूर्णांक जो है माइनस वाले पूर्णांक और जीरो को मिलाने पर और प्लस वाले पूर्णांक तक के जितने भी पूर्णांक होंगे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। जैसे कि देखो, माइनस वाले नंबर होंगे जैसे माइनस के दो, माइनस के तीन, माइनस के वन, जितने भी माइनस से रिलेटेड संख्याएं होंगी और जीरो मिलाकर और एक दो तीन चार जितने भी प्लस की संख्या होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। इतना समझ में आया? ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि माइनस वाली संख्याएं और जीरो और प्लस वाली जितनी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, सब इंटीजर, मतलब कि पूर्णांक। इसके बाद आपको क्या कहना है, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित होने वाली संख्याएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने दिया है दो चार छः आठ, ये दो से दो तो विभाजित हो जाएगा, चार से चार दो से विभाजित हो जाएगा, छः भी दो से विभाजित हो जाएगा, आठ भी। इसी तरीके से दो से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी इन्फिनिटी तक की, मतलब कि अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। अब विषम संख्याओं में क्या होता है, ऑड नंबर। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं विषम संख्याओं को, जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएँ जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह और तेरह, ये दो से विभाजित नहीं होती हैं तो ये क्या कहलाएंगी संख्या, इन्फिनिटी तक की कितनी संख्याएं होंगी, बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं। इसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं, मतलब कि डिविजिबल नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब कि अपनी खुद की संख्या और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। इसमें जैसे मैंने लिखा स्वयं तथा एक के अतिरिक्त विभाजित होने वाली संख्याएं। देखो जैसे उदाहरण के लिए चार 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 ऐसी संख्या है कि जो दो से विभाजित हो जाएगी और खुद की संख्या के से भी विभाजित हो जाएगी और एक से भी विभाजित हो जाएगी, तो हमें दूसरों की संख्या से विभाजित करनी है। जैसे छः है, दो और तीन से विभाजित हो जाती है, आठ दो और चार से स्वयं की संख्या के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा भाज्य संख्याएं। इसी तरीके से ये भी 18 है, दो और नौ से विभाजित हो जाता है, तीन से भी, छः से भी विभाजित हो जाता है, तो ये क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं, मतलब कि स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो, किसी और से विभाजित नहीं होनी चाहिए, स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इनको नॉन डिविजिबल नंबर कहते हैं। इनको उदाहरण के लिए मैंने दिया है दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह, ये स्वयं के अतिरिक्त विभाजित नहीं पड़ते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं,
इनको रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। मतलब कि पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जिनमें क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 5, 7, 5, 22/7, 7/9, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में हो, भिन्न मतलब अंश और हर वाली संख्याओं के मध्य हो, जैसे कि अंश और हर के रूप में लिखा गया है, जिसमें जो हर जो होगा, हर क्यूब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 5 है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो अगर 5 है तो इसके नीचे हम 1 भी तो मान सकते हैं, तो हो गया ना अंश और हर, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी। ठीक, तो इस तरीके की संख्याएं जितनी भी आएंगी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और अपरिमेय, याद रखना पाई का मान जो 22/7 है वो हमेशा परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है, तो वो अपरिमेय कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में इसको, जो कि p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। और मैंने इनका एग्जांपल दिया है, जैसे पाई √2 √3 −√5 √5 इत्यादि। मतलब कि अपरिमेय संख्या पे होती हैं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, मतलब कि जो भिन्न नहीं हो, भिन्न ना होने वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अगला पढ़ते हैं रियल नंबर। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि रियल नंबर होती क्या है, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं, तो इसके उदाहरण मैं लिख देता हूँ, उदाहरण मैंने लिखा नहीं था, सॉरी, तो लिख लेते हैं, इन्हीं को मिला लेते हैं, 5, 7, 6, 22/7, 5 √3 −√5 इत्यादि। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए से नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।